इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 18। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 18। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के साथ संधियाना किया। कुछ वर्ष के बाद वह शुमरोन में अहाब के पास गया। तब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर उसे गिलात के रामोत पर चढ़ाई करने को उसकाया और इसराइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलात के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा भी मैं हूं और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है, हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इसराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की आज्ञा ले। तब इसराइल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलात के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हां, एक और पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं सदा हानि की ही नबुवत करता है। वह इमला का पुत्र मिकायाह है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इसराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, इमला के पुत्र मिकायाह को फुर्ती से ले आ। इसराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने नबूवत कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकियाह ने लोहे के सिंह बनवाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की नबूवत करके कहा, गिलात के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। और जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभवचन कहते हैं, सो तेरी बात उनकी ही सो, तू भी शुभवचन कहना। मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की सौह, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं ही कहूंगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलात के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हां, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरवाकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच्ची कह? मिकायाह ने कहा, मुझे सारा इसराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तीतर बीतर दिखाई पड़ा और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत करेगा? मिकायाह ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इसराइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलात के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर,
इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा पैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकियाह ने निकट जा मिकायाह के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इस पर इसराइल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योवाश के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यो कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आओ तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगो तुम सब के सब सुन लो। तब इसराइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलात के रामोत पर चढ़ाई की और इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इसराइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। अराम के राजा ने तो अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी कि न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इसराइल के राजा से लड़ो। सो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इसराइल का राजा वही है और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा, तब यहोवा ने उसकी सहायता की और परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने की प्रेरणा दी। सो यह देखकर कि वह इसराइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इसराइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हुआ इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इसराइल का राजा अपने रथ में अरामियों के सन्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्यास्त होते होते वह मर गया।